कभी ये भारत की ओके तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे अस्सलाम वालेकुम इंडियन, माय नेम इज मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नवी रिएक्शन। टुडे आई एम रिएक्टिंग ऑन द वीडियो, द टाइटल ऑफ द वीडियो इज पाक मीडिया ऑन इंडियन मेडिसिन, पाक मीडिया ऑन इंडियन लेटेस्ट, और काफी था टाइटल्स वगैरह। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। मेरे हाल से ये एक पेंडेमिक की मेडिसिन है, अब पता नहीं क्या, वीडियो देखते हैं तो अंदाजा होता है, फिर उसके बाद अपना रिव्यू भी देंगे। तो लेट्स चेक आउट 3-2-1 होगा। कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज दफा भारत में बनती है और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं है। वहाँ पे एक ड्रग्स का डिफरेंट सिस्टम है, शायद उसको जेनेरिक सिस्टम कहते हैं। हम पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बना सके लेकिन हम दवाइयों का खाम माल नहीं तैयार कर सके, इसकी क्या। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। हंगामी सूरत हाल है और ये इंसानी ज़िंदगी से खेलने का मसला है, सेहत का मामला है। तो इस बारे में जो बहुत वाइटल लॉ रॉ मटेरियल है लाइफ सेविंग ड्रग्स का, उसको दरामद करने की इजाज़त तो नहीं चाहिए, चाहे वो भारत से ही हो, ये तो एक इंसानी मामला है। जी जुलाई 2019 में जब भारत ने कश्मीर के साथ एक जारहाना रवैया अख्तियार किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई कि भारत से तमाम तजारत को बंद कर दिया जाए और उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसमें एक हमारे सामने एक गंभीर सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 45-50% खाम माल जो दवाइयों का आता है वो भारतीय कंपनीज से, पाकिस्तानी कंपनीज खरीदती थी और उनको यहाँ पर प्रोसेस करके और ये बात का में मुझे अंदाजा नहीं कन्वर्ट करते थे। तो ये जब यकलख बंद हुआ, और दवाइयों का मामला मैं आपसे अर्ज करूँ कि इसलिए जरा सा सेंसिटिव होता है कि हम अगर कोई मटेरियल कहीं और अवेलेबल भी हो तो फौरी तौर पर तब्दीली नहीं कर सकते, हमें स्टेबिलिटी स्टडीज करनी पड़ती हैं, जो एक महंगा प्रोसेस और वक्त लेने वाला प्रोसेस है। तकरीबन 7 से 8 महीने लगते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज करके किसी दूसरे इंग्रेडिएंट पे शिफ्ट होने में, आप एक दिन में इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हमने हुकूमत के सामने ये मामला पेश किया क्योंकि इंपोर्टर्स जो हैं वो वैक्सीन्स मंगवाते हैं और कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज दफा भारत में बनती हैं और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं है। तो उनको भी बुलाया गया और सबसे एक मुज़ाकरात हुए और उसके अंदर हमने सूरत हाल पेश की। जाहिर है कि जिस तरह 2019 में दो मरतबा भारत से हमारी तजारत तातुल का शिकार हुई थी तो ऑलरेडी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अल्टरनेट्स ढूंढ रहे थे, स्पेशली चाइना के साथ, और हमने उनके साथ बहुत सारे प्रोसेस को शुरू कर दिया था। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था कि हम सारा कुछ शिफ्ट कर सकते कि थेराप्यूटिक्स गुड रेगुलेटेड बाय ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनको इजाज़त दे दी जाए कि वो पाकिस्तान आ सकें। और इसी के तहत जो खाम माल है वो दोबारा भारत से इंपोर्ट शुरू हुआ। अच्छा, आपको निज़ामी साहब मैं एक बात ये भी बताऊं कि इस दौरान के अंदर यानी सितंबर अक्टूबर से ये दोबारा काम शुरू हुआ और अब तक कोविड के आने तक तकरीबन 10 से 15% यानी अगर 50% हम भारत से पहले माल लेते थे तो 15 से 20% अब चाइना के ऊपर हम शिफ्ट कर चुके थे इस दौरान में, और 30 से 35% भारत के ऊपर हमारा इनहिसार रह गया था और ये बतदरीज रोज बरोज कम हो रहा है। लेकिन उफ्ताद ये पड़ी कि जो कोरोना वायरस आया वो चाइना में आया और चाइना 2-2.5 महीने के लिए कंप्लीट शटडाउन पे चला गया जनवरी से। तो हमने जो चीजें शिफ्ट की थी कि ये मटेरियल हम चाइना से लेंगे, चाइना वो देने के काबिल ही नहीं रहा, इसलिए कि वहां पर वबा आ गई पहले और चाइना जनवरी से मार्च तक कंप्लीट शिफ्ट हो गया। नतीजा था हमें दोबारा भारत की तरफ रुजू करना पड़ा उन चीजों के लिए क्योंकि चाइना और भारत के अलावा कहीं और मिलती नहीं है। तो अब इस मजबूरी के अंदर हम इंडिया को फिर बहुत बड़ा अच्छा, जी ये तो आप बात कर रहे हैं। दूसरा आपका एक मौकफ ये भी है कि अगर सरदस्त इस वक्त भारत से खाम माल पे या अद्वियात लाने पे पाबंदी आ जाती है तो जो पाकिस्तान की सप्लाई चेन है
अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, वो भी मुतासर होगी, तो आपको इसका हल क्या नजर आता है? और ये जो इंक्वायरी हो रही है, छानबीन हो रही है, इससे क्या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स भी मुतासर हो रहे हैं किसी हद तक? देखिए, इंक्वायरी तो जिस चीज़ की चाहे हुकूमत करवाए और वो करवाने की मजाज है और हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये एक बिल्कुल क्लियर मामला है। अच्छा, एक जो ये इबहाम है ना, मैं इसको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जी विटामिन्स आई हैं, मैं आपके सामने मिसाल पेश करता हूँ। एक विटामिन है जिसका नाम है फोलिक एसिड, बहुत ही सस्ता और बहुत आम सा विटामिन है, लेकिन वो बनता वहाँ पर है। अच्छा, इस फोलिक एसिड को अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर्स को ना दें तो बच्चे स्टंटेड पैदा होते हैं। बहुत 90% खतरा होता है कि बच्चे के अंदर कोई कमी रह जाएगी, इसलिए 9 महीने तक माँ को एक गोली रोज खानी होती है एक्सपेक्टिंग माँ को। इसी तरीके से विटामिन B1 है, कहने को तो वो विटामिन है, लेकिन बेरी बेरी डिजीज में अगर विटामिन B1 अवेलेबल ना हो तो पेशेंट फौत हो जाता है, उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो विटामिन्स जो है वो सिर्फ ताकत की चीज नहीं है, बल्कि अपनी जगह पे वो थेरेप्यूटिक चीजें होती हैं, और उनके खाम माल यहाँ इम्पोर्ट हुए हैं इसलिए कि वो थेरेप्यूटिक गुड्स में यूज हुए हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अच्छा, इस वक्त क्योंकि एक टर्बुलेंस है इंटरनेशनली, आप देख रहे हैं कि अमरीका के सदर को भी कहना पड़ा है कि एक खास दवा जो उन्होंने भारत को कहा है कि वो उनको फराहम करें। तो इस वक्त इस टर्बुलेंस के हाल में मेरा ख्याल है हमें इस मैटर को थोड़ा सा रोकना चाहिए, और जैसे हालात ठीक हो जाते हैं 1-2 महीने के बाद, तो इसको बैठ के हम मजीद हुकूमत के साथ सोच विचार करने को तैयार हैं कि भारत पे हम अपना इन्हिसार मुकम्मल सिफर कर दें, लेकिन इसके लिए हमें एक टाइम फ्रेम चाहिए। तो यार, सबसे पहले इंडिया की अप्रिसिएशन बनती है जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, और इन मुश्किल वक्त में तो इंडिया ने यार उस वक्त साथ दिया जहां पूरी दुनिया में से हमें कोई मेडिसिन नहीं मिल रही थी। तो इंडिया ने मतलब ये नहीं किया कि आपको मेडिसिन ना दी हो या आपको ब्लैकमेल किया गया हो। तो यार, इस पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने पूरी दुनिया को मेडिसिन सप्लाई की हुई है। तो यार, जैसा कि जानते हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया था कि हमें हाइड्रोक्लोरोक्लीन इस तरह की दवाई का नाम था वो चाहिए, तो इंडिया ने वो प्रोवाइड भी की थी। तो यार, इंडिया उस स्टेट में है था कि वो अमेरिका से अपने मुतालबे अगर कोई छोड़ी इच्छा है तो या कोई डील वगैरह में नरमी नरमी रख सकता था, क्योंकि बहुत तादाद में चाहिए थी। वो इंडिया ही वो वाहिद कंट्री था जिसके पास वो इस टाइम अवेलेबल थी। इंडिया ने प्रोवाइड की, पाकिस्तान को भी इंडिया ने मेडिसिन प्रोवाइड की। आप अक्सर न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे कि इंडिया ने ये बैन कर दिया, पाकिस्तान के ये बैन कर दिया, लेकिन आपको पॉजिटिव न्यूज़ कभी नहीं दी होगी। अब ये नहीं बताया होगा इंडिया ने हमें ये इतनी मेडिसिन दे दी, क्यों? ये जो मीडिया चैनल वाले होते हैं ना, ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देते, ये सिर्फ हेटर्स भी इस तरह के कमेंट दे देते। तो रिसेंटली यार, आपने सुना होगा इंडिया ने टमाटर बंद कर दिए थे, लेकिन यार ये सबसे पहली चीज़ है कि उन्होंने जो ह्यूमैनिटी बेस पे जो मेडिसिन थी आपके कितने कैंसर पेशेंट को चाहिए थी वो चीज़ नहीं बंद की। तो ये इसलिए यार, वीज़े बंद हो जाना और ये टमाटर वगैरह, चलो ये तो बंदा कहीं और से ले लेता है, लेकिन इंडिया ने ये जो एक ह्यूमैनिटी का जो एक स्केल है ना वो पूरा रखा है, ठीक है, और पाकिस्तान को मेडिसिन दी, ये नहीं कहा कि भाई हमारे साथ तो जा रहे थे इतने परसेंट बढ़ाओ तो हम ये फिर देंगे। तो यार, पर्सनली मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी ये हाम माल और ये जितनी भी मेडिसिन है ये इंडिया से खरीदी जाए, चाइना से ना खरीदी जाए, क्योंकि अगर हम इंडिया से खरीदते हैं तो हमारी जो जो तजारत है वो काफ़ी बढ़ेगी, पाकिस्तान को भी मौके मिलेंगे तो पाकिस्तान की भी ट्रेड ज़्यादा होगी। सेकेंडली यार, ये काफ़ी ना जब तजारत होती है दो मुल्कों के दरमियान तो पीस स्टेबिलिटी आती है, तो यार ये काफ़ी इस खत्े के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है यार इसमें खत्े में अमन आ जाए। और सबसे यार नेगेटिव रोल ना जो मीडिया का, देखें इतनी पॉजिटिव न्यूज़ है मीडिया में मैंने आज तक नहीं सुनी, और मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान ने इंडिया से मेडिसिन खरीदा। ये तो शुक्र करें मैं रिएक्शन करता हूँ तो मुझे इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ पता चलना लग पड़ रही है, लेकिन अगर न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो यार मतलब न्यूज़ में सिर्फ हिटेड है दोनों तरफ, ये नहीं है कि पाकिस्तान ने, इंडिया की तरफ भी ऐसा ही है। रिसेंटली यार मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो एक पाकिस्तानी लड़का था, वो इंडियन से जाके पूछता था कि व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान। तो यार उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी हमारी तरह अच्छे लोग ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने इंडियंस को एक ब्रदरन और एक मशवरा दिया था, वो ये था कि यार
आप कम से कम टीवी चैनल, न्यूज चैनल खास तौर पर तो ना ही देखो, ठीक है। उसमें जितना पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता है ना, उतना कहीं भी नहीं कहा जाता। ये सेम सिचुएशन दोनों साइड पे है, ठीक है। अब दोनों साइड के मीडिया ना हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारे माइंड को एक दूसरे के खिलाफ कर दिए हुए यार, ना उधर वाले इतने बुरे हैं ना इधर वाले इतने बुरे हैं। यार ये सारा कुछ मीडिया पोर्ट्रे करता है, इस तरह का कुछ सीन नहीं होता। हमें यार पॉजिटिव थिंक करनी चाहिए और पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो हम पॉजिटिव इंसान बनेंगे। तो यार उम्मीद है यार आपको आज का रिएक्शन पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो यार डिसलाइक कर देना, ये आपकी मर्जी है। तो यार वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी है, ताकि पता चले यार मतलब एक दूसरे का किस तरह साथ दिया जाता है मुश्किल वक्त में, और जब इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया का साथ दे। तो यार आज के रिएक्शन के लिए इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।